सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम लोग करने वाले नवरात्रि स्पेशल फोटो एडिटिंग आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग को ऐसा सेम एडिट करना सीखना है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, मैं आप लोग को ऐसा सेम एडिट करना सिखा दूंगा। सो गाइस, उससे पहले आप लोग को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और गाइस, अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके फॉलो भी कर लेना। तो चलिए फटाक से वीडियो की तरफ। सो गाइस, आप लोग को सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना, और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया, तो बैकग्राउंड एंड पीएनजी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप लोग वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग को यहां से टूल्स वाले आइकन पे जाके बैकग्राउंड को कर लेना रिसाइज। तो चलिए हम बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज करने के बाद आप लोग को ऐड फोटो पे जाके अपनी फोटो को ले आना होगा। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैं अपनी फोटो को ले आऊँ। देन गाइस, मैंने अपनी फोटो का कटआउट पहले से कर लिया था, अगर आप लोग को कटआउट करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो देख के कटआउट कर लीजिएगा। और गाइस, आप लोग को फोटो को जस्ट इस पोज में शूट करा लेनी होगी, फिर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग पोज दे सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को फिर ऐसे नीचे के साइड पर ऐसे इरेज कर लेना होगा थोड़ा थोड़ा सा, तो देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। एंड इरेज करने के बाद आप लोग को अच्छे पोजिशन में फोटो को एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोग को अगर और अच्छे से इरेज कर लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से इरेज करने से क्या होएगा गाइस, जो गुलाल ये उड़ रहा है ना, तो हमारी बॉडी पे पड़ेगा तो अच्छा लगेगा एंड रियलिस्टिक आएगा, ठीक है। तो ये काम आप लोग को जरूर कर लेना है गाइस। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना, अभी मैं आप लोगों को एक पीएनजी दूंगा जिससे आपकी फोटो बहुत ही अमेजिंग लगेगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी फोटो का एडजस्ट कर लिया है। तो गाइस, मैं यहां से डन कर लेता हूं। एंड डन करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहां से जाना है ऐड फोटो पे, ये वाली पीएनजी ले आनी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं पीएनजी को ले आऊं, तो गाइस आप लोग को नीचे के साइड पे पीएनजी को इस टाइप से लगा देना है। तो ये गुलाल उड़ने वाला पीएनजी है, तो आप लोग को ले आना। और जो ये पीला कलर का गुलाल है, ये आप लोग को इरेज कर देना, जो भी आप बोलते हैं कलर वगैरह जो भी है, तो इसे आप लोग को नीचे के साइड पे इस टाइप से लगा देना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारी फोटो कितनी अमेजिंग लग रही है। तो आप लोग को यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद आप लोग को गाइस क्या करना है, अभी आप लोग को बता देता हूँ। फिर आप लोग को यहाँ से ऐड फोटो पर जाकर इसी देख सकते हैं मैं इसी पीएनजी को फिर ले आऊँ। तो गाइस, आप लोग को यहाँ पे ऐसे पीएनजी को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद आप लोग का करना है, यहाँ से इरेज टूल्स पे जाना है, और जो फालतू का कलर है ना, ये आप लोग को इरेज कर लेना है, और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को कर लेना है, ठीक है। तो आराम से एडिट करिएगा, आप लोग की फोटो बहुत ही बढ़िया एडिट हो जाएगी। तो आप लोग को ऐसे ऊपर से टिक कम कर देनी है, एंड आप लोग इसकी डुप्लीकेट निकालना है, और डुप्लीकेट आप लोग को यहाँ हैंड के पास लगा देना है, ठीक है। तो छोटा करके भी लगा सकते हैं आप लोग। एंड गाइस, आप लोग इसकी ओपेसिटी और कम कर दीजिएगा, ठीक है। और जो ये पीछे वाली ओपस पीएनजी है, इसकी ओपेसिटी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा डन। तो मैं से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही डार्क है ये, तो मैं इतना कम कर लेता हूँ। एंड यहाँ से कर लेता हूँ मैं से डन, ठीक है। एंड डन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से ऐड फोटो पे जाके एक पीएनजी को ले आना है। ये पट्टी की पीएनजी है, तो इस पट्टी की पीएनजी को आप लोग को यहाँ पे ऐसे लगा देना। अगर आप लोग लगाना चाहते तो लगा लीजिएगा, वरना आप लोग की मर्जी, मैं आप लोग को पीएनजी तो दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग लगा लीजिएगा, फोटो अच्छी लगेगी आप लोग की। तो इस टाइप से पीएनजी को आप लोग को लगा लेना, तो मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। मैंने पट्टी के पीएनजी को लगा लिया हूँ, तो गाइस मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। एंड डन करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ से ऐड फोटो पे जाना है। आप लोग को ये नवरात्रि की टैक्स पीएनजी ले आनी। देन गाइस, आप लोग इसे कर देना इस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग को यहाँ छोटा करके लगा देना है, ठीक है। तो आप लोग जितना बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लीजिएगा, या फिर आप लोग की मर्जी, आप लोग कहाँ पे लगाना चाहते हैं। एंड आप लोग को यहाँ से डन कर लेना। आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो एक नंबर की एडिट हो गई है। तो गाइस, मैं यहाँ से चला जाता हूँ ड्रॉ टूल्स पे। एंड गाइस, यहाँ से मैं फोटो को कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद हम लोग चले जाते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन पे। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं लाइटरूम एप्लीकेशन पे आ गया हूँ। तो आप लोग को लाइट वाले ऑप्शन पे चला जाना, आप लोग को कंट्रास्ट को कम कर देना है, एंड आप लोग को हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। एंड आप लोग को क्या करना है, यहाँ से चला जाना इस वाले आइकन पे। देन आप लोग को ब्राइटनेस को दे देना है, एंड आप लोग को सैचुरेशन को करना माइनस, ठीक है। एंड गाइस, यहाँ से मिक्स टूल पर चला जाना, तो फर्स्ट कलर का जो कलर मिलता है उसको इंक्रीज करना है। देन आप लोग को अगले कलर्स पर जाके सैचुरेशन को कम, एंड ल्यूमिनेंस को आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं अपने फेस को वाइट करने के लिए। तो मैं थोड़ा ही से करता हूँ। एंड गाइस, क्या करता हूँ, जो अगले
कलर से उसको थोड़ा थोड़ा सा मैं छेड़ लेता हूँ, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो मैं ज़्यादा करने के लिए नहीं बोलूँगा आप लोग को, तो यूँ आप लोग को थोड़ा थोड़ा कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से कर लेना आप लोग को डन। डन करने के बाद आप लोग इस वाले आइकन पे जाना, तो टेक्चर को दे देना है एंड क्लियरिटी को दे देना एंड गाइस डेहेज को। एंड गाइस आप लोग विग्नेट इफेक्ट को आप लोग थोड़ा सा ऐसे कम कर लीजिएगा, तो अपनी फोटो में फोकस आ जाएगी अच्छी खासी। तो मैंने विग्नेट इफेक्ट कम कर लिया हूँ, तो गाइस आप लोग को यहाँ से ग्रीन अमाउंट दे देना है एंड साइज को कर लेना आप लोग को माइनस, ठीक है। तो मैं आप लोग को बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ हमारी फोटो कितनी बढ़िया लगने लगी है। तो गाइस आप लोग को शेयर वाले आइकन पे जाकर फोटो को करना है सेव। सो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हैं हमारी फोटो पूरा एडिट हो गई एंड गाइस गैलरी पे भी सेव हो चुका है। तो गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।